गुरु गोविंद हो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो छात्रों, इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का बखान किया है और ये भी बताया है कि गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देशन में हमको इस संसार में ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मेरे सभी शिक्षकों और मेरे सभी गुरुजनों को, जिनसे मैंने शिक्षा पाई है, उन सभी को हाथ जोड़कर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वागत है आपका एक्सीलेंस क्लासेस में। आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस, और आज का दिन देश भर के छात्रों के लिए बड़े ही हर्षोल्लास का दिन होता है, क्योंकि आज ही के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, अपने गुरु को सम्मान देने का दिवस होता है। तो मैं अपने समस्त गुरुजनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आज उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के दिशा निर्देशन में मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मैं उन सभी गुरुजनों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिनके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच सका हूँ, और आज मुझे भी एक गुरु का दर्जा, एक शिक्षक का दर्जा प्राप्त है, और ऐसे शिक्षक का दर्जा प्राप्त है जिससे उसके सभी छात्र बहुत प्रेम करते हैं और उसे अपने एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। तो मैं उन सभी शिक्षकों का, उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने मुझे शिक्षा दी थी, उन सभी गुरुजनों का आजीवन आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी कि आज मैं उसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए आगे भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। अपने गुरुजनों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस समाज के बीच में सम्मान के साथ जी सकूं और सभी के साथ सर उठाकर उठ बैठ सकूं। तो उन सभी को मेरा धन्यवाद और प्रणाम, और उन सब के लिए मैं कबीरदास जी का एक दोहा कहना चाहूँगा कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, और सात समुद्र को मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु गुण कोई भी नहीं लिख सकता, गुरु का दर्जा जीवन में सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊंचा होता है। और आज 5 सितंबर, 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, तब हम आगे और बढ़ते हैं। तो 5 सितंबर का दिन ऐसा होता है जिस दिन हमारे जो द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है, और आज ही के दिन यानी 5 सितंबर के दिन सन 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, और वो उन्होंने 40 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में देश की सेवा की थी, और 40 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात वे राजनीति में दाखिल हुए थे। आज़ाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम जो है भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। वे दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की जो छवि होती है उसको समाहित किया था, सम्मिलित किया। और राधा कृष्णन जी एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक थे, बहुत ही मशहूर शिक्षक थे, ऐसे शिक्षक थे जिनसे उनके सभी छात्र बहुत प्रेम करते थे, और उन्होंने ही उनसे जब वो राष्ट्रपति थे तो सन 1962 में जब उनसे जाके प्रार्थना की कि आपके जन्मदिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, और यदि आप हमें अनुमति दें तो आज का दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, तब उन्होंने खुद अनुमति दी थी, और तभी से आज तक उनके जन्मदिवस यानी 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कुछ इनके राधा कृष्णन जी के बारे में भी जान लिया जाए। राधा कृष्णन जी जो थे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुलझे हुए शिक्षक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को भारत तथा पश्चिमी देश दोनों में फैलाने की पूरी पूरी कोशिश की, और उनका ये मानना था कि यदि शिक्षकों की स्थिति भारत में सुदृढ़ रहेगी, शिक्षक अगर भारत में अच्छी तरह से रहेंगे तो ये सब कुछ संभव है। और वे 13 मई सन 1952 से 13 मई सन 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, और उसी वर्ष उनका राष्ट्रपति के पद पे भी चुनाव हुआ, और जब उनका राष्ट्रपति के पद पे चुनाव हुआ तो उनके जितने भी छात्र थे, जितने भी उन्होंने पढ़ाए थे, जितने भी छात्र थे, उन्होंने उन छात्रों ने जाकर उनसे निवेदन किया कि आपका जन्मदिन जो 5 सितंबर को पड़ता है
उस जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं और तभी से उनके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के कारण सन 1954 में भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया था, उससे अलंकृत किया गया था। इतने महान जो व्यक्तित्व के स्वामी थे राधाकृष्णन जी, उनकी मृत्यु 17 मई सन 1975 में एक लंबी बीमारी के बाद हो गई थी और यहाँ के जो समस्त देशवासी हैं उनके जो सुनहरा कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल को सम्मान देने के लिए, उस कार्यकाल की स्मृति में जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मना के उनको एक सम्मान देते हैं। कहते हैं शिक्षक के ऊपर, शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है। मोमबत्ती, जिसे आप मोमबत्ती को आपने देखा है कि मोमबत्ती स्वयं जलती रहती है लेकिन दूसरों को प्रकाशित करती रहती, उसी प्रकार से शिक्षक होता है जो स्वयं चाहे जितनी परेशानी में हो लेकिन अपने छात्रों को, अपने अनुयायियों को, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो उसको सम्मानित करते हैं, जो उसकी बात सुनते हैं, जो उसकी बात मानते हैं, उनको कभी भी वो गलत शिक्षा नहीं देता है। और 5 सितंबर वाले दिन जो छात्र होते हैं वो छात्र अपने शिक्षक को छोटे छोटे उपहार देकर सम्मानित करते हैं और वो छोटे उपहार पाकर शिक्षक जो है, एक गुरु जो है, बहुत ही प्रसन्न होता है क्योंकि उन छोटे छोटे उपहारों में उन सभी छात्रों की एक अपार श्रद्धा छिपी होती है, एक अभूतपूर्व श्रद्धा छिपी होती है कि ये सभी छात्र जो आते हैं ये कहते हैं कि गुरुजी मैं आपका सम्मान करता हूँ। उन उपहारों के माध्यम से वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी मैं आपकी सम्मान करता हूँ और बहुत ही इज्जत करता हूँ। वो उपहार भले ही छोटे छोटे क्यों ना हो लेकिन उन उपहारों में उन छात्रों की जो श्रद्धा छिपी होती है, अगाध श्रद्धा होती है, उसी अगाध श्रद्धा को पाकर एक शिक्षक प्रसन्न हो जाता है और वे उपहार ही उन छात्रों की श्रद्धा के प्रतीक होते हैं। कई विद्यालयों में शिक्षकों के सम्मान के लिए कई सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं और उनको उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। आज की जो सरकार हमारी है वो भी हर वर्ष अपने राज्य में अच्छा कार्य करने वाले, उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी शिक्षकों को सम्मानित करती है कि वे शिक्षक एक भविष्य को निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो भविष्य निर्माता होते हैं, यानी शिक्षकों के हाथ में पूरे देश का भविष्य होता है। इसीलिए सरकार उनको उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करती रहती है कि आप इस देश के भविष्य को बना रहे हैं, इसीलिए आपको कभी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके कार्यों को देखा नहीं जा रहा है, आपके कार्यों को सराहा नहीं जा रहा है। और शिक्षक जो हैं देश को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि शिक्षक ही देश के भविष्य को निर्माण करते हैं। जो छात्र हमारे होते हैं वही हमारे देश का भविष्य होते हैं और उन्हीं छात्रों के भविष्य को सुधारने संवारने का काम शिक्षकों के हाथ में होता है। और जब शिक्षक उन छात्रों के भविष्य को संवार देते हैं तो वो भले कितने परेशान क्यों ना हो लेकिन जब वो अपने किसी छात्र को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो माता पिता के बाद शिक्षक ही इकलौता ऐसा इंसान होता है जो अपने छात्रों को आगे बढ़ते हुए देखकर दिल से प्रसन्न होता है। भले ही एक अध्यापक जो होता है अपनी ज़िंदगी में कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी खराब कार्य करते, कितना भी वो बुरा हो या लोग कहते हो ये बहुत बुरा है, लेकिन जैसे ही वो एक शिक्षक बन जाता है, जैसे वो एक अध्यापक बन जाता है, उसके विचार मन में यही विचार आ जाता है, तुरंत ही विचार आता है कि मेरा कोई भी छात्र गलत राह में ना चल नहीं पाए। इसीलिए वो अपने हर छात्र को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है। और आजकल मैंने देखा है कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो अध्यापक तो बन जाते हैं परंतु अध्यापक के गुण उनके अंदर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे शिक्षकों से मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे अध्यापकों से मैं कहना चाहूँगा कि कृपया आप एक अध्यापक बने, क्योंकि अध्यापक नाम ही, शिक्षक नाम ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। 3 वर्णों का एक जो शब्द होता है शिक्षक, ये शिक्षक शब्द इतना भारी होता है कि इसकी जिम्मेदारी हर कोई नहीं उठा सकता, किसी के बस की बात नहीं कि शिक्षक बन जाए, क्योंकि शिक्षक का मतलब हुआ अच्छी शिक्षा देना। आप अंदर से कितने बुरे हैं, आप अंदर से कितने खराब हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। आप अपने छात्रों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं ये सबसे बड़ी बात माने रखती है।
ये सबसे बड़ी चीज माने रखती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप अपनी जिंदगी में कैसे भी हों, क्या कर रहे हों, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप शिक्षक बने, आप किसी विद्यालय में जाए, तो पूर्णतया एक अध्यापक के दायित्वों का वहन करें और अपने शिक्षार्थियों को, अपने छात्रों को जो एक अच्छी शिक्षा देने की, एक नया दिशा निर्देशन देने का पूरा प्रयास करें। अब मैं छात्रों से कहना चाहूँगा कि सभी छात्र, उनके शिक्षक चाहे जिस प्रकार से हों, उससे उनको नहीं मतलब होना चाहिए। वो अगर यदि आपके शिक्षक हैं तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि अपने शिक्षकों का सम्मान करें, क्योंकि जो छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी का भी सम्मान नहीं कर सकता। और आप अपने शिक्षकों द्वारा दिखाए गए रास्ते का ही अनुसरण करें, क्योंकि शिक्षक चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन कभी अपने छात्र को गलत रास्ते की तरफ आगे नहीं बढ़ाता है। कि ये जिंदगी जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन एक शिक्षक, एक गुरु की शिक्षा ही हमको जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत से, हर परेशानी से लड़ने का, उसका सामना करने के लिए हमारे अंदर साहस का संचार करती है। तो छात्रों, शिक्षक ही वो व्यक्ति होता है, वो इंसान होता है जिसके अंदर यह कला होती है कि अपने छात्रों के मिट्टी, अपने छात्रों के मिट्टी रूपी जीवन को सजाकर संवार कर उसे सोने का रूप दे दे। क्योंकि हमारे जीवन और हमारे समाज के वास्तविक शिल्पकार, वास्तविक निर्माता एक शिक्षक ही होते हैं। संसार को किसी ने भी बनाया हो, लेकिन उसे वास्तविक स्वरूप देने का कार्य जो करते हैं वो हमारे शिक्षक ही होते हैं। इसीलिए शिक्षक को माता पिता गुरु सबसे ऊपर बताया गया है, क्योंकि माता पिता तो केवल जन्म ही दे देते हैं, लेकिन जो छात्रों के जीवन को संवारने का काम, उनको समाज में जीने का तरीका, उनको समाज में रहने का ढंग केवल शिक्षक ही बताते हैं। इसीलिए मेरा सभी छात्रों से कहना है कि आप कुछ भी हों, लेकिन अपने शिक्षक का सम्मान अवश्य करें, क्योंकि जो छात्र शिक्षक का सम्मान नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का सम्मान नहीं कर सकता। और जो छात्र सम्मान नहीं करना सीख सकता है, वो छात्र कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जब आप अपने शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको सदा उनकी बातें खराब ही लगेंगी। और शिक्षक के बारे में बहुत सारे छात्र ये धारणा बना के बैठ जाते हैं कि ये टीचर तो बहुत ख़राब है, ये बहुत मारते हैं, वो टीचर बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल नहीं मारते। तो मारने की जो तुलना है, कभी भी अध्यापक के व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते हैं। वो स्वयं नहीं चाहता कि किसी भी अपने छात्र को मारे या किसी भी छात्र को वो दंडित करे। किसी भी प्रकार का दंड कोई भी शिक्षक नहीं देना चाहता। हमारे कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। मतलब जो गुरु होगा, वो शिक्षक होगा, वो आपको दंडित भी करेगा और साथ में आपको प्रेम भी करेगा। क्योंकि यदि आप प्रेम नहीं करता है, अगर कुम्हार घड़े के अंदर हाथ लगा के ऊपर से जब डंडा मारता है तो तभी वो घड़े का आकार बन पाता है, लेकिन अगर कुम्हार ने अंदर से हाथ नहीं लगाया, केवल डंडा ही मारता रहा, तो घड़ा टूट जाएगा। तो इसी प्रकार से एक शिक्षक होता है, छात्रों के जीवन को संवारने के लिए भले ही ऊपर से कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितना भी उसे दंडित क्यों ना कर रहा हो, लेकिन हमेशा वो मन से चाहेगा कि मेरा ये छात्र अच्छी राह पे आगे बढ़े, और उसके लिए उसे हमेशा अंदर से सपोर्ट करेगा, उसके लिए उसे प्रेम भी रहेगा। और कभी भी आप देख लीजिए, यदि किसी शिक्षक ने आपको दंडित किया है तो स्वयं भी खुश नहीं रहा है, कि वो खुश होकर कभी भी आपको दंडित नहीं करता। तो इसीलिए मेरा सभी छात्रों से कहना है कि यदि कोई शिक्षक आपको दंडित करता है तो हमेशा चाहता है कि आपके अंदर की कमियों को दूर करे और आपको एक, जो कहते परफेक्ट, सर्वोत्तम देश का नागरिक बना सके। क्योंकि एक शिक्षक के अंदर ही वो सारी गुण होते हैं, वो सारी क्षमताएं होती हैं जो आपको देश का सर्वोत्तम, सबसे अच्छा नागरिक बना सकती हैं। संसार में हम लोगों को लाने का कार्य तो माता पिता करते हैं। माता हमें जन्म देती है, जिंदगी देती है, जीवन देती है, इसलिए माता तो अपने स्थान पे सर्वोपरि होती ही है। पिता हमें संरक्षण देते हैं, सुरक्षा देते हैं,
लेकिन जो शिक्षक होता है वो हमें समाज में जीने का, रहने का और इस समाज के साथ मिलकर चलने का ढंग और तरीका बताता है। इसीलिए शिक्षक को हमेशा माता पिता और ईश्वर से बड़ा माना गया है, क्योंकि यदि आपने इस धरती पर जन्म ले ही लिया है तो यदि आप शिक्षक के संपर्क में नहीं आए और आपने जीने का ढंग नहीं सीखा, समाज के साथ रहने का ढंग नहीं सीखा, तो आपको समाज में कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगी। तब आपका जीवन एक पशु के समान हो जाएगा, क्योंकि पशु भी वैसे ही देखिए जैसे कि इस समय गाँव में छुट्टा जानवर घूमते रहते हैं, उनके पास समाज में रहने का ढंग नहीं है, समाज में किस प्रकार से रहे, क्योंकि जानवर हैं। लोग ये कहते कि तो जानवर इनको क्यों कुछ नहीं आता, तो वो जानवर हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। और हम लोग इस मानव रूपी जीवन को पाके ज्ञान अर्जित करने की क्षमता रखते हैं, तो क्या हम लोग अपनी इस क्षमता के होने के बावजूद भी उस जानवर की तरह जीवन जीना शुरू कर दें? क्योंकि जानवरों के पास ज्ञान नहीं होता। यदि उसी प्रकार से यदि हम लोग अपने शिक्षक, अपने गुरु से नहीं मिल पाएंगे, अपने गुरु के सानिध्य में नहीं आ पाएंगे, तो हम लोगों को भी ज्ञान नहीं मिल पाएगा और हमारा जीवन भी पशु समान हो जाएगा, जो केवल धरती पर पैदा होते हैं, खाते हैं और मर जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन भी हो जाएगा। तो ये बात आप जान के रखिए कि आपको अपने गुरु का सम्मान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे कहा गया है गुरु ही ब्रह्मा है, यानी जो धरती पर पैदा करते हैं ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं जो धरती को पालने पोसने का काम करते हैं, जो हमारी धरती के संरक्षक हैं, और गुरु ही महेश हैं यानी कि शंकर शिव जी हैं जिनके कारण धरती पर सभी चीज़ों का संतुलन बना रहता है, कि सर्वोच्च ताकत गुरु हैं, क्योंकि गुरु के अंदर ही वो क्षमता होती है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है। तो इस प्रकार के गुरु को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि गुरु की महिमा इतनी बड़ी है कि उसे कह के नहीं बताया जा सकता। उसको वही छात्र ठीक से समझ सकता है जो अपने गुरु का पूरी तरह से सम्मान करता है। और इसी के साथ साथ मैं अपने गुरुजनों को फिर से एक बार शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और साथ ही साथ उनको अपने गुरु को, अपने ईष्ट गुरु जो मेरे गुरु रह चुके हैं, उन सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों के साथ बैठकर बातें कर सकूँ। धन्यवाद।